जी व्यूअर्स, फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबर भट्ट साहब के पास, जो कि बूढ़ी बाज़ार बड़ा मशहूर है यहाँ का चौक। अभी आज जुम्मे है तो अभी आपको कोई रश नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ तो गुजरने की जगह नहीं होती। तो आज मैं आपको खिलाने आया हूँ जी बारबेक्यू। जनाब आज हम यहाँ से खा के जाएंगे। ये बाबर भट्ट साहब है जनाब, कितने साल हो गए बाबर साहब थानू? मतलब 25 साल माशाल्लाह। इतने लगा इतने जुम्मे तो जुम्मे हर जुम्मे तो जुम्मे हर जुम्मे के जुम्मे जनाब इधर सुबह 9 बजे आते हैं। किसी टाइम कस्टमर हमारे से पहले आके बैठे होते हैं हाँ जी। सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेड का, चाय का इधर नाश्ता वापों का करते हैं। वाह जी वाह, जबरदस्त जनाब। व्यूअर्स आपको अभी प्राइस भी बताते जाते हैं कि जी ये जो कबाब आपको मिलेगा 100 रुपीज़ में मिलेगा जी एक कबाब, और जो चिकन टिक्का की जो सीख है वो आपको 150 में मिलेगी। ले व्यूअर्स, ऑर्डर हमारा रेडी हो गया है, अब आते हैं और खा के आपको बताएंगे भी ये कैसा टेस्ट है जी इनके बारबेक्यू का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उमैर भट्ट एक नए ब्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। व्यूवर्स उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूवर्स आज मैं आपको लेकर जा रहा हूँ जी बूढ़ी बाज़ार। ये सियालकोट का बाज़ार है जो कि बानो बाज़ार के साथ ही है बिल्कुल। लेकिन करने हम क्या जा रहे हैं जी, यहाँ पर एक साहब है बाबर भट्ट साहब, बड़ा नाम सुना है जी, बारबेक्यू बड़ा स्पेशल लगाते हैं ये। लेकिन आज हम जाएँगे, जाके टेस्ट भी करेंगे, आपको लोकेशन भी दिखाऊँगा जी ब्लॉग में आगे जाके। तो व्लॉग आपने पूरा देखना है, अब जाके देखते हैं जी कैसा है। बाकी नाम सुना है, अब जाके खा के पता चलता है जी कैसा ये बारबेक्यू लगाते हैं। तो आपने मेरे साथ रहना है, तो आइए बिला तखीर अब चलते हैं जी। और जिस टाइम हम आ रहे हैं चौक लमेकबाल से, और ये बानो बाज़ार हम पहुंच चुके हैं। तो बानो बाज़ार ये सामने आप देखें सुनहारों की शॉप है सारी, उसके साथ साथ ये फूलों वाली गली की तरफ हम जा रहे हैं। तो आज आपको लेकर जा रहा हूँ मैं बाबर भट्ट साहब के पास जाके बारबेक्यू खाने के लिए। और वो किस जगह पे है वो अभी हम आपको बताने लगे हैं जी आगे जब आप जाएंगे। तो ये आ जाएगा बूढ़ी बाज़ार, ठीक है जी। और बूढ़ी बाज़ार पे जनाब आपको ये हम फाइनली पहुंच चुके हैं, ये देख रहे हैं सामने जी व्यूअर्स। फाइनली हम पहुंच चुके हैं बाबर भट्ट साहब के पास, जो कि बूढ़ी बाज़ार बड़ा मशहूर है यहाँ का चौक। अभी आज जुम्मे है तो अभी आपको कोई रश नज़र नहीं आ रहा, नहीं तो यहाँ तो गुजरने की जगह नहीं होती। तो आज मैं आपको खिलाने आया हूँ जी बारबेक्यू। तो अभी आपको दिखाते हैं बाबर भट्ट साहब के आप बारबेक्यू जो बना रहे हैं। तो ये जनाब बूढ़ी बाज़ार बड़ा ही मशहूर बाज़ार है सियालकोट का, ये देख रहे हैं। और इस टाइम बिल्कुल क्लोज है ये सारी रोड, और कह लें कि इतनी ट्रैफिक भी नहीं मिल रही। तो ये जनाब लगाते हैं जुम्मे के जुम्मे, इस जगह पे आपको ये बाबर भट्ट साहब मिलेंगे, और बहुत ही शहर के मशहूर बारबेक्यू आपको यहाँ से मिलेगा जी। ये जनाब चिकन बोटी, लेकिन हम थोड़ा सा लेट आए हैं जिसकी वजह से चिकन बोटी जनाब ख़त्म हो गई है, कबाब इनके पास अभी मौजूद हैं। तो ये जनाब चिकन बोटी, ये देखते हैं बेहतरीन किस्म की, ये भी लगा दें भजन अगर, ये भी लगा दें। तो जनाब आज हम यहाँ से खा के जाएंगे। ये बाबर भट्ट साहब है जनाब, कितने साल हो गए बाबर साहब थानू? मतलब 25 साल माशाल्लाह। इतने लगा दें इतने जुम्मे तो जुम्मे हर जुम्मे तो जुम्मे हर जुम्मे के जुम्मे जनाब इधर सुबह 9 बजे आते हैं। किसी टाइम कस्टमर हमारे से पहले आके बैठे होते हैं हाँ जी। सुबह नाश्ता करते हैं, ब्रेड का, चाय का इधर नाश्ता वापों का करते हैं। वाह जी वाह, ज़बरदस्त जनाब। तो जनाब हम भी इसलिए यहाँ पे आए हैं कि आके बाबर भट्ट साहब से हम भी बारबेक्यू खा के देखें, क्योंकि दिन के टाइम आपको बारबेक्यू जुम्मे वाले दिन अगर आपने खाना है तो यहाँ से आके खा के जाएं। बाकी तो पूरा शहर लगाता है बारबेक्यू, लेकिन ये बड़ा स्पेशल बारबेक्यू लगाते हैं। और वो बता रहे हैं कि आने से पहले लोग आए होते हैं जी कस्टमर्स इनके। तो ये देखें अभी हमारा जनाब ऑर्डर रेडी हो रहा है, ये हमारा ऑर्डर है। तो इसके साथ साथ चटनी भी ये देंगे, और सीटिंग एरिया आपका यही है जी, आपने बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल यहाँ बैठ के खाना है, ठीक है जी। और अगर आपने इसके अलावा अगर किसी दिन आना है तो वो केड़ी जगह बाबर साहब? लाइट बैंक के आगे ऊपर चौक में, लाइट बैंक के ऊपर, ये जो कश्मीरी मल्ले वाला जो है बिल्कुल सामने। हाँ जी, ये जनाब गली आगे जाती है बूढ़ी बाज़ार के, ये वाली गली आगे, तो आगे लाइट बैंक के बिल्कुल सामने आपको मिलेंगे ये, अगर आप जुम्मे के अलावा आते हैं। तो ये जनाब सीखे लगानी शुरू हो चुके हैं, हमारा ऑर्डर भी बिल्कुल कह लें कि रेडी होने वाला है। तो देखें जनाब बाबर भट्ट साहब के पास हम भी बाटे बाबा जी, तो हमें भी शौक है जनाब ये बारबेक्यू खाने का और मुख्तलिफ चीज़ें खाने का जी। तो कस्टमर माशाल्लाह इनके पास आए हुए हैं, कुछ बैठे हुए हैं जी खाने के लिए भी। तो ये बूढ़ी बाज़ार भी आपको दिखा रहा हूँ सामने, ये सारा बूढ़ी बाज़ार है, और उसके बिल्कुल ये यहाँ पर बड़ी पुरानी रेडी लगाने वाले हैं जी, ये 25-30 साल हो गए इनको यहाँ पर। और सफा साफ सुथरा आपको कीमा मिलेगा जो खुद ये तैयार करते हैं, और ये देखें जी बारबेक्यू इनका तैयार हो रहा है, और लगाते ही ये बारबेक्यू ही हैं बस।
ऐसे ही है जी बाबर जी। व्यूअर्स आपको अभी प्राइस भी बताते जाते हैं कि जी ये जो कबाब आपको मिलेगा 100 रुपीज़ में मिलेगा जी एक कबाब, और जो चिकन टिक्का की जो सीख है वो आपको 150 में मिलेगी। क्योंकि प्राइस अक्सर व्यूअर्स मेरे पूछते हैं जी प्राइस आप नहीं बताते, तो आज प्राइस भी मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अभी अब जैसे ही आता है अभी खा के आपको टेस्ट करके बताएंगे हम। ले व्यूअर्स ऑर्डर हमारा रेडी हो गया है, अब आते हैं और खा के आपको बताएंगे भी ये कैसा टेस्ट है जी इनके बारबेक्यू का। काफ़ी पुरानी ये, यानी यहाँ पे 25-30 साल हो गया जी इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे ये रेडी लगाते हैं जी। और इस टाइम बाज़ार बिल्कुल क्लोज है, ये आप देख रहे हैं फैंसी लिबास के बिल्कुल सामने ये इनका जो पॉइंट है जहाँ पे ये रेडी लगाते हैं। और आपको चटनी रोटी हाँ जी एक दे, तो ये जनाब आपको पुदीने और धनिए की चटनी मिलेगी साथ, और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल आप देख सकते हैं। मैं भी बिल्कुल रोड के किनारे पे खड़ा हूँ और यहाँ बैठ के जनाब खाने का मज़ा ही कुछ और है, बजाय कि 5-star होटल्स में जाएँ और अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जाएँ। देसी स्टाइल से जनाब ये बाबर साहब लगा रहे हैं सामने, और ये हमारे जनाब कबाब आ गए गर्मा गर्म, ये रोटी आ गई और साथ जनाब चटनी भी आ गई है, और अभी चिकन टिक्का भी हमारा बिल्कुल रेडी होने वाला है। तो ये जी बिस्मिल्लाह करते हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले जनाब कबाब टेस्ट करते हैं। ये देखिए ये हम टेस्ट करके बताते हैं आपको जी कैसा टेस्ट है। जी माशाल्लाह फंटास्टिक जनाब, बहुत ही मज़े के कबाब हैं जी। अभी चिकन टिक्का आता है फिर इंशाल्लाह वो भी टेस्ट करके आपको बताते हैं। नहीं जी आप चटनी के साथ भी ट्राई कर रहे हैं, हम देख रहे हैं वाह जी वाह, चटनी भी बड़ी मज़े की है जनाब, बड़ा मज़ा आ रहा है। बस चिकन टिक्का हमारा आता है फिर इंशाल्लाह चिकन टिक्का भी ट्राई करते हैं। ले व्यूअर्स कबाब यकीन जाने बड़ा ही मज़ेदार कबाब है, बड़ी जगहों से खाए हैं कबाब, लेकिन इधर कोई अपने को टेस्ट है इसका जनाब। तो बाबर साहब के पास आप आके कबाब ज़रूर खा के जाइएगा। अभी चिकन टिक्का आ गया है तो भी टेस्ट करने लगे हैं जी, ये देखिएगा, और बड़े ही अच्छा तरीके से ग्रिल हुआ लग रहा है जी, ये देख रहे हैं। तो अभी ये जनाब टेस्ट करते हैं जी हम इसके साथ। यकीन जाने फैंटास्टिक कबाब का जो मज़ा था वो तो था ही, लेकिन जो चिकन टिक्के का मज़ा है वो भी क्या ही बात है। फुली रिकमेंडेड, आप लाजमी एक दफ़ा आइएगा यहाँ पे, जुम्मे वाले दिन आपने आना है, जुम्मे वाले दिन आपको यहाँ पे ये बाबर साहब मिलेंगे जनाब, तो एक दफ़ा खा के ज़रूर जाइएगा आप इनके कबाब और चिकन टिक्का, बड़ा ही मज़े का है जनाब ये अली। अब अभी हम खाना खा लें फिर इंशाल्लाह ब्लॉग का एंड भी करते हैं और आपसे बात भी करता हूँ। जी बोल यकीन जाने बहुत ही मज़े का जनाब चिकन टिक्का है, और ये हमारी किस्मत में था, कह लें लास्ट 2 सीखें रह चुकी थी जो हमें मिली हैं, अगर ये मैं थोड़ा सा लेट हो जाता शायद ये हमें हमारी किस्मत में ना आती, लेकिन चलें टेस्ट हो गया जी कबाब भी और चिकन टिक्का भी, ये देख रहे हैं बड़ी अच्छी तरह से ग्रिल हुआ हुआ है और जूसी है माशाल्लाह। जी व्यूअर्स अल्हम्दुलिल्लाह खाना खा के फारिग हो गए हैं, यकीन जाने बड़ा ही मज़ा आया है। मैंने बड़े सारी जगहों पे खाया है बारबेक्यू, लेकिन इस पे यहाँ आके जो मज़ा आया है वो उसका टेस्ट ही अलग है। तो फुली रिकमेंडेड आप आएँ और बाबर साहब से आके, बाबर भट्ट साहब इनका नाम है, और बूढ़ी बाज़ार आपने याद रखना है, बिल्कुल यही पॉइंट है इनका जिधर ये खड़े हैं इस टाइम। तो बाकी ज़रूर आइएगा खा के जाइएगा फिर मुझे बताइएगा कि मैंने आपको सही मशवरा दिया है कि नहीं दिया। तो बाकी जनाब अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। इस दुआ के साथ कि खुश रहें आबाद रहें, एक नई और अच्छी वीडियो के साथ आपकी दुनिया में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।